नमस्कार भाई, मैं हूं परिधि और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो रुख करते हैं आज की खबरों की ओर। आयुक्त श्रीमती हर्षिका सिंह द्वारा AICTSL के अंतर्गत BRTS पर संचालित होने वाली नवीन 12 मीटर AC इलेक्ट्रिक बस का सिटी बस ऑफिस से लेकर रीजनल पार्क तक डिपो तक सफर किया तथा आई बस स्टॉप का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर अपर आयुक्त व AICTSL CEO श्री मनोज पाठक, BRTS प्रभारी श्री अभिनव चौहान व अन्य उपस्थित थे। इंदौर में वाहन चोरी की वारदातें लगातार सामने आ रही है, तो वही शहर के मध्य में संयोगितागंज क्षेत्र में पिछले 20 दिनों में एक दर्जन से ज्यादा दो पहिया वाहन चोरी की वारदातें सामने आई, जिसको लेकर पुलिस ने विशेष टीम चोरी होने वाले स्थान पर पूरी तैनात की है, ताकि वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। हाँ, वो जो संयुक्तागंज थाना क्षेत्र की दो तीन जगह है जो वाहन चोरी के हिसाब से बड़े भारी हॉटस्पॉट बने हुए हैं, उसमें से एक दवा बाजार है, दूसरा छावनी मोहल्ला है, तीसरा कुछ हॉस्पिटल है जैसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इन जगहों पे अक्सर वारदात होती है चोरी की। कल पिछले हफ्ते भी लगभग 3-4 वारदातें हुई हैं, तो उस पर से टीम बना दी गई है। उन स्पॉट पे 24 आवर्स के लिए कुछ पॉइंट भी फिक्स किए गए हैं। जल्द ही कोशिश यही की जाएगी कि जिनके द्वारा ये घटना कार्य की जा रही है वो पुलिस गिरफ्त में रहें और आगे कोई घटनाएं नहीं। सर, आसपास के लगे CCTV फुटेज में क्या नजर आया? सर, अभी तक लगातार पिछले 15 दिन की बात की जाए तो कुल मिलाकर 25 से अधिक वाहन संयोगितागंज थाना क्षेत्र से चोरी होने की वारदात सामने आई है, तो अभी तक क्या सर पुलिस के हाथ कोई CCTV फुटेज या किसी प्रकार से कोई ऐसा लिंक हाथ नहीं लगा? हाँ, कुछ फुटेज मिले हुए हैं, कुछ अन्य थाना क्षेत्रों में कुछ संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उस पर भी पूछताछ चल रही है। और जल्दी जो टीम बनी हुई है ना, वो ऐसे 7 अपराधियों को गिरफ्तार करेगी और पूछताछ करके प्रकरणों का खुलासा करेगी। इंदौर क्राइम ब्रांच ने अंतर्राज्यीय स्तर ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से ठगी करने वाले अज्ञात बदमाशों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। प्रकरण में विभिन्न राज्यों के 114 फरियादियों के साथ हुई 20 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी सामने आई है। पूरे मामले में क्राइम ब्रांच द्वारा धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया और अज्ञात आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये विमलेश अजमेरा जो कि इंदौर सिक्योरिटी एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, कंपनी है जो कि इंदौर की ही कंपनी है, उनके द्वारा जो विमलेश अजमेरा जो उनके कार्यरत है उनके द्वारा कल FIR रजिस्टर्ड कराई गई है थाना क्राइम ब्रांच में आकर। उनके द्वारा ये बताया गया है कि इंदौर सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ही इनके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया और उसमें जो इनके MD हैं नेवी रामावत जो MD है उन्हीं के फोटो लगाकर और उन्हीं का प्रचार प्रसार उन्हीं की कंपनी के नाम से लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट कराया जा रहा है, ट्रेडिंग कराई जा रही है और उनको अत्यधिक मुनाफा डबल गुना तीन गुना मुनाफा देने का लालच दिया जाकर और उनसे पैसे इन्वेस्ट कराया जा रहा है, उनके साथ फ्रॉड किया जा रहा है। इस पर से थाना क्राइम ब्रांच में IPC सेक्शन 40934 के तहत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है। इसमें कुल जो कंपनी के द्वारा बताया गया कुल 114 लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है, इसमें लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा की रकम की धोखाधड़ी की गई है। फिलहाल क्राइम ब्रांच में अभी इसमें इसको केस को रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। इस संबंध में क्राइम ब्रांच के द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें कि यह बताया गया है SEBI के द्वारा समय समय पर जो गाइडलाइन जारी की जाती है उनका पालन करें। सोशल मीडिया पर जितने भी, चाहे वो FB अकाउंट हो या फिर आपका इंस्टाग्राम हो या फिर व्हाट्सएप पर कोई भी इस तरह के अगर लुभावने ऑफर आते हैं तो उनको जब तक वेरीफाइड पूरी अच्छे तरीके से वेरिफिकेशन उनका कर लिया जाए। तीसरा, आपका जो डीमैट अकाउंट होता है ट्रेडिंग के लिए उसका जो पासवर्ड ID और पासवर्ड है कभी भी किसी को शेयर ना करें, इस तरह की गाइडलाइन भी क्राइम ब्रांच द्वारा एडवाइज करेंगे। इंदौर में जिला प्रशासन, पुलिस विभाग सहित चाइल्ड लाइन द्वारा भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और इसी के तहत सराफा थाना क्षेत्र में कार्यवाही करते हुए 4 बच्चों को रेस्क्यू किया गया, तो वहीं उनसे भिक्षावृत्ति करवाने वाले 2 व्यक्ति को भी पकड़ा गया है। इसमें नगर निगम के द्वारा एवं प्रवेश संस्था के द्वारा लगातार यह अभियान चलाया जा रहा है, जो कि जिस तरह से भिक्षावृत्ति मांगते हैं जो नाबालिग बच्चे हैं उनको उनके जो खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है कि ये किस तरह से ऐसे कौन लोग हैं जो इनको भिक्षावृत्ति के लिए मजबूर करते हैं, नशे के लिए मजबूर करते हैं। इस पर से 2-4 नाबालिग बच्चों को बागमारी अकेडमी के पास से बरामद किया गया था और उनसे जब पूछताछ की गई तो 2 आदमियों का खुलासा हुआ, जिसमें एक सद्दाम का नाम आया, एक दीन मोहम्मद का नाम आया, जिसमें यह बात सामने आई कि इनसे बच्चों से नाबालिग बच्चों से भिक्षावृत्ति कराते हैं और उसके बाद नशा भी कराते हैं। इसमें फिलहाल IPC सेक्शन 328 और किशोर न्याय अधिनियम के 76, 77, 78 धारा के तहत केस रजिस्टर किया जाकर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।
और जो चार जो बच्चे जो बरामद किए गए थे उनको सीडब्ल्यूसी के सामने पेश कर दिया। और भी कोई लोग इनके साथ? फिलहाल ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इन्वेस्टिगेशन में अभी फिलहाल उन दोनों आरोपियों को जेल भेजा गया है। इन्वेस्टिगेशन आयोग तथ्यों के आधार पर और भी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की है। रावजी बाजार थाना क्षेत्र में बदमाशों द्वारा एक युवक को चाकू मारकर घायल किया गया। विवाद पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है, जिसके चलते युवक पर चाकू से हमला किया गया। बिलालपुरा मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। मिल्लत नगर में एक साई कृपा चाय की दुकान है, उसके पास में कल तीन लोग एक गाड़ी से आते हैं, उसमें से एक व्यक्ति के साथ में दो व्यक्तियों के द्वारा चाकू से हमला किया जाता है, जिससे उसे गंभीर चोट आती है, उसे अस्पताल लेके जाया जाता है। सूचना मिलने पर एक हत्या का प्रयास का मामला पंजीबद्ध किया गया है। इसमें दो आरोपी दिख रहे हैं फुटेजेस में, जिसमें से एक आरोपी की पहचान हो गई, दूसरे आरोपी की पहचान अभी होना बाकी है। अभी गिरफ्तारी किसी की नहीं हो पाई है, जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इंदौर के राउ थाना पुलिस ने एक क्रेडिट कार्ड बनवाने और लोन दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक के पास से क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड सहित अन्य दस्तावेज भी बरामद किए गए। कल थाना राउ में एक शातिर साइबर अपराधी, जो लोन दिलाने के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करता था, उसके विरुद्ध 2420 के प्रकरण पंजीबद्ध करके उसको हिरासत में लिया गया है। ये जो आरोपी है, अमनदीप इसका नाम है और ये झारखंड रांची का रहने वाला है। ये अपनी हम उम्र और आसपास के रहने वाले लड़कों को दोस्त बनाकर उनके तथा उनके परिजनों को क्रेडिट कार्ड लेकर लिमिट बढ़ाने का तथा लोन कराने का बोलकर खुद के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करके धोखाधड़ी करता था। इसने लगभग दोनों प्रकरणों में कुल 7 लाख के आसपास की धोखाधड़ी जो है वो पुलिस ने ट्रेस करी है और आरोपी से क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, चेक, दस्तावेज, मोबाइल, स्वैप मशीन, टेलीफोन के अलावा विभिन्न बैंकों की बनी हुई 4 सील जो है वो मौके से जब्त की गई। इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र के हत्या में मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी द्वारा शराब पीने की बात को लेकर अपने साथी की हत्या कर दी गई, जिसके बाद वो फरार हो गया था। पूरे मामले में पुलिस अब आरोपी से पूछताछ में जुटी है। जैसा कि आपको विदित है, कल गांधीनगर क्षेत्र में हाईलिंक सिटी रियल एस्टेट साइट है, वहाँ पर एक व्यक्ति जो है सुनील डाबर, उसकी हत्या हुई थी। और जो सुनील डाबर था, ये मालिका काम करता था और इसके बाद इसकी पत्नी ने ये रिपोर्ट कराई थी कि इसकी जो है सुनील डाबर की जो हत्या है वो उसके साथ में काम करने वाले एक व्यक्ति अनिल के द्वारा की गई थी, जो कि घटनास्थल से फरार हो गया था। तो पुलिस ने अच्छी कार्रवाई करते हुए कल ये अनिल भूसारिया जो इसका आरोपी है, इसको गिरफ्तार कर लिया है। सर, कहाँ से पकड़ा है और क्या कारण सामने बताया है? ये घटनास्थल से फरार हो गया था और ये अलग अलग जगह अपनी उपस्थिति छुपाता रहा था। पुलिस ने इसके लोकेशन को ट्रैक करके और आरोपी को अरेस्ट किया है और इस घटना के संबंध में इसके द्वारा खुलासा किया गया। ये लोग तीनों लोग जो मृतक है सुनील डाबर, ये अनिल खुद और एक भगवान सिंह, ये तीनों लोग कल जो है मतलब परसों ये करीब 8 बजे से ये लोग खाना वाना खा रहे थे, साथ में शराब वगैरह पी रहे थे। उसके बाद किसी बात को लेकर इनका विवाद हुआ और विवाद के बाद में इसके द्वारा इन लोगों की हत्या की। नर्मदा साहित्य मंथन से प्रदेश भर से आए साहित्य, कला, इतिहास, यूट्यूबर, ब्लॉगर, स्तंभ लेखक एवं पत्रकारिता से जुड़े प्रतिभागियों सहित शहर के नागरिकों ने भोजशाला के इतिहास को जाना। भोजशाला के इतिहास जिससे उससे संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। भोजशाला का निर्माण वाग देवी के उपासक राजा भोज ने करवाया था। ऐसे अनेक इतिहास से जुड़ी बातें भोज उत्सव समिति से जुड़े गोपाल शर्मा ने नर्मदा साहित्य मंथन में शामिल हुए देश भर के साहित्यकार, पत्रकारिता से जुड़े छात्र छात्राओं को बताई। और आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए मधुभाषी प्रदेश।